हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड इंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में। देखो, है तो ये चैप्टर बहुत इजी, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें सिली मिस्टेक करते हैं, तो आपसे वो सिली मिस्टेक ना हो और आपका क्वेश्चन सही सही बने, इसके लिए रफ़ी सर आपके लिए लेके आए हैं कंसेप्ट एंड ट्रिक्स। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें, तो कहीं पे भी डेल्टा एच एफ ऐसा लिखा हो तो डैट इज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और अगर उस पर पावर जीरो लगा दे तो इसका मतलब हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड का मतलब प्रेशर 1 bar या 1 atm लेना आपको। टेम्परेचर पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर डैट इज 298 kelvin लेते हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड का मतलब। अगर पावर जीरो नहीं दिखाया, सिर्फ ऐसे लिखा है डेल्टा एच एफ, तो ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। डैट मीन्स 1 bar या 1 atm प्रेशर को छोड़ करके किसी भी प्रेशर पे है तो उसको सिर्फ बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। राइट, नाउ वर्ड है फॉर्मेशन। फॉर्म किस साइड होता है? प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। राइट, तो इसलिए फॉर्मेशन में 3 major इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तभी आप उस रिएक्शन की इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर बोल सकते हो। फॉर्मेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान से सुनो। पहली चीज़ तो 1 mole, देखो मैंने क्लियरली लिखा है 1 mole आपको प्रोडक्ट का फॉर्म करना है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से फॉर्म करना है। राइट, और तीसरा, वो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में लेना आपको, जो सबसे ज़्यादा नेचर में एग्जिस्ट करता है वो उस वाला लेना है। मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखना है, तो जैसे ही CO2 बोला तो उसका 1 mole फिक्स कर दो। इधर देखो मैंने लिखा है क्लियरली 1 mole ऑफ CO2 ना। तो क्वेश्चन इज कि सर 1 mole ही क्यों, तो इसको मैं सिंपल वे में समझाता हूँ कि जब कभी आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो, किराना स्टोर पे, तो आप अगर पूछते हो कि शुगर का दाम कितना है तो डेफिनेटली वो 1 kg का बताता है। क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड है, उसके बाद आपको जितना लेना होगा उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेंगे। राइट, या फिर आप कपड़ा लेने जाते हो तो 1 meter का वो बताता है, एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, समझ गए। तो इसलिए हमें ऑलवेज इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 mole का पता होना चाहिए, उसके बाद जितने मोल्स का निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो 1 mole CO2 फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट में आपको जाना है, तो 1 mole उसका कर देना। और इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन है इसमें, देखो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन लेना और ऑक्सीजन लेना है। कार्बन किस फॉर्म में मिलता है, मोस्ट एबंडेंट फॉर्म, तो सॉलिड फेज में मिलता है। राइट, और उसमें भी कौन सा लेना है, चूँकि इसके 2 electrons हैं तो ग्रेफाइट ज़्यादा मिलता है, डायमंड बहुत कम मिलता है। राइट, तो इसलिए क्यों, क्योंकि डायमंड अगर मिल जाता तो सब लोग अमीर होते। और ऑक्सीजन आपको गैस फॉर्म में मिलता है, तो ये इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। नाउ फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मुझे लिखना हो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल लिक्विड फेज में मिलेगा तो इसलिए लिक्विड लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर गैस लगा दिया तो फिर नहीं होगा। राइट, क्यों, क्योंकि मोस्ट एबंडेंट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये लिक्विड फॉर्म मिलता है और इसका 1 mole ही लेना, इसलिए 1 किया। अब इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन लेना है सॉलिड फेज में मिलता है और ग्रेफाइट वाले लेना है, हाइड्रोजन लेना है गैस फेज में, ऑक्सीजन लेना है गैस फेज में। आप इधर स्टॉइकोमेट्री को आपको 1 रखना है, इधर आप चेंज नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में चेंज कर सकते हैं। राइट, चूँकि यहाँ पे 2 carbon है तो यहाँ मुझे 2 लेना पड़ा, यहाँ पे 6 hydrogen है तो 3 लेना पड़ा, यहाँ पे 1 ही oxygen है तो 1/2 करना पड़ा। इधर चेंजेज हो सकते हैं बट इधर नहीं हो सकता। तो अब इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज होगी, इस रिएक्शन की जो भी एनर्जी होगी, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्कोहल C2H5OH। ये कहने का मतलब हुआ। अब ध्यान से देखो, सम ऑफ द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। फॉर एग्जांपल कैसे, H2 गैस, ये नेचर में आपको अपने आप मिल जाता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए इसका फॉर्मेशन ऑलवेज 0 रहेगा। O2 गैस, इसका फॉर्मेशन 0, N2 गैस फॉर्मेशन 0, कार्बन में ग्रेफाइट और सॉलिड वाला तो 0, लेकिन कार्बन में ग्रेफाइट और गैस हो जाए तो 0 नहीं, क्यों, क्योंकि सॉलिड को गैस में ले जाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये सब पॉइंट पे ध्यान रखना, जो I2 सॉलिड फेज में मिलता है तो उसका 0, लेकिन I2 गैस होगा तो फिर 0 नहीं होगा। सिमिलरली ब्रोमीन लिक्विड फेज में मिलता है तो ब्रोमीन लिक्विड का 0, लेकिन ब्रोमीन सॉलिड हो, ब्रोमीन गैस हो तो फिर उसका 0 नहीं होगा। तो दीज आर द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जिसका 0 है। सिमिलरली जिसका 0 नहीं होगा, जितने भी कंपाउंड जैसे वाटर लिक्विड,
तो इसका जीरो नहीं होगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा CO, CO2 एक्सेट्रा जितने भी कंपाउंड है। सिमिलरली एटम में जैसे H गैस, तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, हमें एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसलिए इसका जीरो मत ले लेना। एलोट्रॉप में जैसे कार्बन डायमंड वाला, तो वो जीरो नहीं होता है। फॉस्फोरस रेड वाला, वो जीरो नहीं होता है। व्हाइट वाले का जीरो होता है। ओजोन, इन सब का जीरो नहीं होगा। तो ये सब पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, बात समझ में आ गई। तो पॉइंट इज कि अगर कोई अपने मोस्ट एम्बंडेंट फॉर्म में है और जो नेचर में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है उसी में है, तभी उसका जीरो होगा, अदरवाइज जीरो नहीं होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब क्या क्या है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जनरली नेगेटिव होता है, राइट? दैट मीन्स एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक होता है, बट जरूरी नहीं है। जनरली वर्ड लिखा मतलब कभी कभी इंडोथर्मिक भी हो सकता है। तो जनरली जो स्टेबल अगर प्रोडक्ट है तो नेगेटिव होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव होगा। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। जैसे ओजोन एक अनस्टेबल है, तो अगर ओजोन बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव होगा। नाउ किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी आप निकाल सकते हो अगर सभी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है। जैसे देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट गिवन है, उसको उसके स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई कर दो और जितने भी प्रोडक्ट है सबका ऐसे करके सम कर लो, उसके बाद माइनस। सिमिलरली रिएक्टेंट में उसके जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको रिएक्टेंट का गिवन है उसको उसके स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करके सम कर लो और दोनों को माइनस कर दो, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। याद कैसे रखेंगे, इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना, ध्यान दें, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, FPR से याद रखेंगे, फिंगरप्रिंट, राइट? तो फॉर्मेशन में ऑलवेज प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। अगर ये फॉर्मूला आप कब लगाओगे, जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिवन है। कभी कभी क्वेश्चन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा और ना ही उसके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, तो फिर आपको जीरो लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे N2 3H2 गिव्स यू 2NH3। तो पहली चीज़ कि इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज होगी, डेल्टा H रिएक्शन, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते बताओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने दो मोल्स बना लिया, हमें कितना बनाना था, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसलिए ये रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो यही सब पॉइंट पे गलती करवाता है एग्जाम में। तो कैसे होगा, तो इसका 1 मोल बनाना, इसलिए इधर 3/2 है, 1/2। तो ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, और इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर भी होगा। कैसे हुआ वो ध्यान से देखो, क्योंकि फार्मूला आपके पास ये है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट में कौन है, NH3, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इनटू उसका स्टोइकोमेट्री कितना, 1, राइट? माइनस, प्रोडक्ट खत्म हो गया, माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है, N2 और H2, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 स्टोइकोमेट्री 1/2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 स्टोइकोमेट्री 3/2। अब यही जो रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज होगी वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि नेचर में आपको वो उसी फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, अबंडेंट फॉर्म में, तो उसका हमें जीरो लेना है। सिमिलरली H2 इसका भी जीरो हो जाएगा, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन में इन दोनों का आपको गिवन नहीं होगा, तो आपको किसका गिवन होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो अगर वो पुट कर दोगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया, या फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो बस ये सिंपल इस टाइप से आपको थिंक करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, अब आप आगे से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, राइट? तो अगेन वही, पावर जीरो होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे, और अगर नहीं लगा होगा तो सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड का वही मतलब है 1 bar प्रेशर या 180 atm, और टेम्परेचर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नहीं मेंशन है तो 298 kelvin। कंबशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 1 mole रिएक्टेंट का बर्न करना है। रिएक्टेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। एक्सेस ऑफ एयर, दैट मीन्स एयर की कमी नहीं है आपके पास, एंड फॉर्म क्या करेगा, स्टेबल ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट होंगे उसमें उसका स्टेबल ऑक्साइड बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, उसका स्टेबल ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाना है। हाइड्रोजन अगर होंगे तो H2O लिक्विड बनाना है, राइट? सिमिलरली सल्फर होगा तो SO2 गैस बनाना है, ये पॉइंट है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में लिया हूँ कि जैसे अगर ये रिएक्शन हमने लिखा तो कार्बन सॉलिड फेज में मिलता है, राइट? यहाँ पे भी वो पॉइंट मेंशन रहेगा कि उसके मोस्ट एबंडेंट फॉर्म वाला लेना है, और ग्रेफाइट हो गया वो ऑक्सीजन में बन के तो CO2 गैस मिला,
तो ध्यान दें यहाँ पे रिएक्टेंट का वन मोल होना चाहिए, तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये दिखाया है। तो रिएक्टेंट का वन मोल है, तो इस प्रोसेस में जो भी एनर्जी चेंज होगी, इस रिएक्शन की जो भी एंथैल्पी होगी, वही एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट भी हो जाएगा। सिमिलरली ध्यान से देखो, तो अगर मीथेन है तो उसका मैंने वन मोल फिक्स कर दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट में वन मोल फिक्स कर देना है। तो वन मोल को बन गया तो CO2 और H2 मिलेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन है एलिमेंट यहाँ पे। इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगी, वही एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ CH4 के बराबर हो जाएगा। पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं आफ्टर कंप्लीट कम्बशन, उनका एंथैल्पी ऑफ कम्बशन क्या लेते हैं हम? जीरो। जैसे एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ CO2 तो जीरो, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ O2 तो उसको बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही कम्बस्ट करने की जरूरत है, तो उसका भी जीरो होगा। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ वाटर जो यहाँ बना, तो उसका भी जीरो। तो इस पॉइंट पे ध्यान देना, कभी भी जो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं आफ्टर कंप्लीट कम्बशन, उनका एंथैल्पी ऑफ कम्बशन हम जीरो लेते हैं। और एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस पॉइंट का ध्यान रखना, फॉर्मेशन जनरली नेगेटिव था बट ये ऑलवेज होंगे। अगेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं अगर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ कम्बशन गिवन हो तो, बट यहाँ पे ध्यान रखना पहले रिएक्टेंट है। एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ रिएक्टेंट इंटू देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, उसके बाद माइनस कर देना है। सेम उसी तरह से प्रोडक्ट का निकालना है, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू देयर स्टोइकोमेट्री, और आपको माइनस कर देना है। याद कैसे याद रखेंगे? तो CRPF से कम्बशन में रिएक्टेंट माइनस आपको प्रोडक्ट करना है। बात समझ में आ गई? कम्बशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली रिएक्शन अगर हमने लिया कार्बन सॉलिड में और ग्रेफाइट है, अगर सपोज करो उसको ऑक्सीजन बन गया तो CO2 गैस मिला। इस रिएक्शन की इन्थैल्पी अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को यूज करके, इन्थैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ रिएक्टेंट तो कौन हो गया? कार्बन सॉलिड इनटू वन, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्री है वन, तो इनटू में वन, प्लस इन्थैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ ऑक्सीजन तो वो तो जीरो ही हो जाएगा, राइट? यहाँ से आप देख सकते हो, तो ये तो जीरो हो गया। माइनस आप प्रोडक्ट का करना है माइनस, तो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ CO2 तो वो भी जीरो, आप यहाँ से देख सकते हो, क्योंकि ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। तो किसके बराबर हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन? एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट। तो इसलिए अगर मैं इसी रिएक्शन को अगर ऐसे लिखूं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन से, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 पहले प्रोडक्ट इनटू उसका स्टोइकोमेट्री वन, वो करना नहीं भूलेंगे, माइनस ये प्रोडक्ट हो गया रिएक्टेंट का, कैसे लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जीरो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड जीरो। क्यों? क्योंकि ये आपको नेचर में अबंडेंट फॉर्म में ऐसे ही मिलते हैं। तो ये किसके बराबर हो गया? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या कन्फ्यूजन आपका हटाना चाह रहा हूँ, कि रिएक्शन जो की जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर भी है और एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ ग्रेफाइट। डैट मीन्स एक ही रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है और एंथैल्पी ऑफ कम्बशन को भी, बट ओनली कंडीशन इज कि बस वो हमारे जो फॉर्मूला है, जो हमारा कंसेप्ट है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर एक ही रिएक्शन फॉर्मेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकती है, कम्बशन को भी। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट डैट इज हेस लॉ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी सिंपल। इसका कहना यह है कि अगर कोई ए से बी गया तो डायरेक्ट भी जा सकता है, या पहले ए से सी गया, फिर सी से डी, फिर डी से बी, एटसेट्रा, राइट? तो ए से बी में अगर एंथैल्पी चेंज जेड है, तो अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो वही कहना चाह रहा है कि डेल्टा एच ऑफ ए बी इज इक्वल टू जेड, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू, अगर दूसरा पाथ अगर उसने यूज किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, तो वो डिपेंड ही नहीं करता किस पाथ से गया। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है तो किसी भी पाथ को फॉलो करो, डेल्टा एच सेम आने वाला है, और इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम डायरेक्टली ऐड भी कर पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अगर ए से बी का डेल्टा एच जेड है, तो बी से ए का रिवर्स करोगे तो डेल्टा एच वैल्यू वाइज तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर वन में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबका गिवन है और इस रिएक्शन का एंथैल्पी पूछा है। तो फॉर्मेशन में ऑलवेज फिंगरप्रिंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या है? CO2, राइट? और क्या है? HCl। तो ध्यान दो, CO2 का हमें लेना है कितना है? अब ये नहीं कि जितना वैल्यू गिवन है वही लो, अप्रॉक्स कैलकुलेशन क्या करो, क्यों? क्योंकि ऑप्शन गिवन है, राइट? तो इसको मैं ले लूँगा अप्रॉक्स में माइनस में 400,
और HCl का एक मोल का गिवन है, ध्यान दे हमें चार मोल का चाहिए, तो 92 को भी अप्रोक्स 100 ले लो तो ये माइनस में 400 राइट। और रिएक्टेंट में वाटर है उसका कोफिशियंट 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रोक्स में कितना हो जाएगा 500 के आसपास राइट। और इसका 1 है तो इसको ऐसे रहने दो, तो इसको कितना ले लोगे 100 के आसपास। तो यू नो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कौन कौन है, माइनस में 400 माइनस में 400 राइट, और माइनस ऑफ इसका माइनस में 500 माइनस में 100, ऑलवेज अप्रॉक्स कैलकुलेशन। तो ये कितना आ गया माइनस में 800 और ये प्लस में 600, डेट मीन्स माइनस में 200 के आसपास। और ये ध्यान रहे कि चूंकि हमने वैल्यू ज़्यादा करके लिया है तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 200 से कम वाला, तो 200 से कम वाला ध्यान से देखो एक ही ऑप्शन है, ये तो हो नहीं सकता ज़्यादा हो गया, ये तो बहुत ही कम हो गया और ये भी बहुत कम है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन कर करके आप आंसर लाओगे तो आपको कोई नोबेल प्राइज़ नहीं मिलने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन बस इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में इंथैल्पी ऑफ कम्बशन आपको गिवन है, इस रिएक्शन का इंथैल्पी बताना है। तो कम्बशन में हमने आपको बताया CrPf, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में कौन है C2H2, उसका कोफिशियंट 3 है, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा ये माइनस में 3900 राइट। और प्रोडक्ट C6H6 है, इसका कोफिशियंट 1 है तो ये 1 ही रहेगा। तो यू नो जो रिएक्शन की इंथैल्पी होगी वो ध्यान दें यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो माइनस में 3900 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3268। तो आप ध्यान से देख सकते हो अगर ये 3200 लेते तो 700 होता, तो उससे कम और माइनस वाला बड़ा है तो उससे कम माइनस में यही है, ये नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इंथैल्पी ऑफ कम्बशन गिवन था और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की रिएक्शन लिख दो, कैसे लिखेंगे आपको बता रखा हूँ। प्रोडक्ट में आप C2H5OH लिक्विड लिख दो, इसका 1 मोल करना 1 लिख दो। किससे बनाना है, इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है कौन कौन है, कार्बन सॉलिड वाला, और कौन है हाइड्रोजन गैस, और कौन है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे 2 कार्बन है, बैलेंस कर दो 2, इधर हम चेंज कर सकते हैं, इधर चेंज नहीं कर सकते, 1 रखना है क्योंकि फॉर्मेशन की बात हो रही है। 6 हाइड्रोजन है तो 3, ऑक्सीजन एक ही है तो हाफ, ये हो गया। तो इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, वी कैन से कि दिस रिएक्शन इंथैल्पी इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH लिक्विड। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं इस रिएक्शन की इंथैल्पी कैसे निकाल सकता हूँ, तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है कम्बशन। कम्बशन में हमने क्या ट्रिक दिया था, CrPf, कम्बशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। रिएक्टेंट कौन है ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन का गिवन है आपको यस, कार्बन का गिवन है, और कौन है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपको गिवन है यस, हाइड्रोजन का गिवन है, और कौन है ऑक्सीजन, तो इसका नहीं गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है वो 0 होगा राइट। तो आपको कार्बन और हाइड्रोजन का लेना, ध्यान दे कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हाइड्रोजन को 3 से, तो कार्बन का 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, इसको कितना ले लोगे अप्रॉक्स में 400, तो कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पे अप्रॉक्स में माइनस में 800, और इसको 3 से करना है 240 ले लो तो कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स में माइनस में 720, इन दोनों को ऐड करना है तो अप्रॉक्स में कितना हो गया माइनस में 1520 राइट। उसके बाद प्रोडक्ट का माइनस करना है, प्रोडक्ट में कौन है ये और कितना 1, तो 1 ही चाहिए, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस 1230 ले लो। अब आप देख सकते हो कि अप्रॉक्स में ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो डेफिनेटली ये 300 के आसपास वाला आएगा। अब ऑप्शन ध्यान से देखो कौन सा होगा, 300 के आसपास वाला, चूंकि हमने ज़्यादा लिया है तो उससे कम वाला लेना है, तो उससे कम वाला कौन है एक ही है, ये नहीं हो सकता उससे ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता और ये बहुत ही कम हो गया, इसलिए आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। ये नहीं कि 393.5 है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कम्बशन गिवन था, फॉर्मेशन पूछ लिया राइट। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही सेम पॉइंट, कम्बशन गिवन है, फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है। तो अगेन हमने आपको बताया पहले फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, C2H6 आप लिख लो, इसका 1 मोल आप करना ना भूलें, 1 मोल, इधर आप कोई चेंज नहीं हो सकता, इधर चेंजेज होंगे कार्बन है इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट और हाइड्रोजन है इसका, कार्बन कितना चाहिए 2, तो इधर 2 कर सकते हो और हाइड्रोजन 6 चाहिए तो इधर
3 कर सकते हो। इधर चेंजेज होगा, इधर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। नाउ इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 है, तो सिर्फ हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन चाहिए और वो अगेन हम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंबशन गिवन है, तो कंबशन के केस में अगेन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, कार्बन उसका 2 लेना, हाइड्रोजन उसका 3 लेना है, तो कार्बन का आपका यहाँ है, इसका 2 लेना है, तो अगेन ये 400 के आसपास है, तो अप्रॉक्स में -800 ले लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो, और हाइड्रोजन का 3 से करना है, ये 286 है, ये ध्यान रहे, तो 290 ले सकते हो, राइट। तो 3 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, अप्रॉक्स में 870 माइनस में रहेगा, तो आपको 800 और माइनस में 870, ये अप्रॉक्स में कितना हो गया, 1670 माइनस में, उसके बाद ये माइनस। अब आपको प्रोडक्ट में C2H6 का कितना है, माइनस में 1560, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1560, राइट। अब हमें क्लियर है कि माइनस आंसर आएगा, तो इसलिए प्लस वाला आपका ऑप्शन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखो तो ये कितना का डिफरेंस आ रहा है, अप्रॉक्स 80 के आसपास आ रहा है, राइट, तो 80 के आसपास ये है, फिर ये नहीं हो सकता, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ऐसे आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हाफ Cl2 गैस से Cl- एक्वस बनाना है, इस रिएक्शन का डेल्टा एच क्या होगा, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि डेल्टा एच डिसोसिएशन 240 है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी माइनस में 350 है, और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन माइनस में 380 है, तो यहाँ पे हैश लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको हाफ Cl2 गैस से Cl- डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, तो इनडायरेक्ट वे में जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे, ध्यान से देखो, हाफ Cl2 गैस डेट मीन्स क्लोरीन क्लोरीन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, उसको ब्रेक करना है, तो बॉन्ड एनर्जी, जो कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा, इसलिए ये पॉजिटिव साइन से गिवन है, बट ध्यान रहे कि हमें एक मोल ब्रेक नहीं करना है, कितना करना है, हाफ मोल, क्यों, क्योंकि मुझे एक ही Cl- चाहिए, तो इसलिए जो भी बॉन्ड एनर्जी होगा वो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी आपको कितना गिवन है, 240 का हाफ, 240/2 मतलब 120, यहाँ पे एनर्जी हमें देना पड़ेगा प्लस में। फिर क्लोरीन गैस को एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो Cl- गैस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो कि आपको गिवन है माइनस में 350। फिर Cl- गैस को वाटर में डालेंगे, डेट इज हाइड्रेशन इंथैल्पी, तो Cl- एक्वस मिलेगा, और कितना है, तो माइनस में 380। तो आपको अभी बताया था यहाँ से यहाँ जाओ या यहाँ से यहाँ जाओ, बात सेम रहेगी, तो इस रिएक्शन का डेल्टा एच किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखो, 120 माइनस में 350 माइनस में 380, डेट इज माइनस में 610। नाउ ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कहीं पे इस टाइप से रिएक्शन गिवेन हो और डेल्टा एच एक्स किलो जूल पर मोल है, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मोल का मतलब है रिएक्शन का 1 मोल। कैसे, क्योंकि डेल्टा एच में कुछ भी बताया नहीं है, तो वो ओवरऑल रिएक्शन क्या, और उसके 1 मोल का मतलब है जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, डेट मीन्स 2 मोल्स अगर मैं इसका लूँगा, 1 मोल इसका लूँगा, 1 मोल अगर इसका लिया और 3 मोल्स इसका बना, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए एक्स गिवन है। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान देना है, डेल्टा एच रिएक्शन का अगर गिवन है तो उसके रिएक्शन के 1 मोल का मतलब है कि उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टोइकोमेट्री में गिवन है वही लेना है। बट अगर जैसे कहीं पर ऐसे लिखा है डेल्टा एच ऑफ ए इज वाई किलो जूल पर मोल, मतलब सिर्फ ए का बता दिया आप, सिर्फ ए का है, तो वाई किलो जूल पर मोल मतलब आप सिर्फ इसके 1 मोल का, तो यहाँ पे 1 मोल का मतलब 1 मोल है, यहाँ पे भी बच्चे समझ लेते हैं 1 मोल का मतलब इसका भी 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, ऐसा नहीं है, जो बैलेंस इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग वो होगा, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना। सेकेंड थिंग कि सॉलिड के लिए पर मोल का मतलब होता है पर मोल ऑफ एटम, जैसे सल्फर तो आपको एटॉमिक फॉर्म में 1 लेना पड़ेगा, एसेट नहीं लेना। सिमिलरली एक रिएक्शन जो है वो कैन सेटिस्फाई मोर देन 1 डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को भी बता रहा है, यही इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन को भी बता रहा है, और यही रिएक्शन की इंथैल्पी हो जाएगा, तो अगर हमारा डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है तो एक से ज़्यादा को वो सेटिस्फाई कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, कहीं पे अगर कैलोरीफिक वैल्यू बोले तो उसका मतलब होता है हीट पर यूनिट मास, वो भी ग्राम में, तो चूंकि हीट पर यूनिट मोल हम निकाल ही लेते हैं तो क्या करेंगे, उसके मॉलिकुलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप ये कंबशन और फॉर्मेशन का जो भी कन्फ्यूजन होगा वो आपसे दूर हो जाएगा, आप इस पर बेस किसी भी PYQ को कर सकते हो। थैंक यू।